सैमसंग गैलेक्सी F13 ये फोन कई दिनों से फ्लिपकार्ट पर लिस्ट हो रखा था और फाइनली आज इस फोन को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेरा और आज के इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी F13 के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सैमसंग गैलेक्सी F12 की तुलना में ये नया फोन कितना डिफरेंट है। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हम सैमसंग गैलेक्सी F13 के डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो अगर आप सैमसंग गैलेक्सी F12 की तुलना में इसे देखेंगे तो इस बार डिजाइन पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। हालांकि लुक्स जो है वो A सीरीज से थोड़ी बहुत मिलती जुलती आपको दिखेगी, पर फिर भी थोड़ा सा पैटर्न जो है वो बैक पैनल पर आपको अलग देखने को मिलेगा। A सीरीज में जो पैटर्न था वो प्लेन था, मैट फिनिश थी, लेकिन इस बार इसमें आपको थोड़ी शाइनी फिनिश देखने को मिलेगी और जो बैक पैनल है थोड़ा बहुत रगड है, जो कि आपको एकदम प्लेन या स्मूथ का एहसास नहीं देगा। तो थोड़ी लुक चेंज की गई है और अगर आप F12 से इसकी तुलना करेंगे तो काफी ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि F12 में आपको स्क्वायर शेप कैमरा मॉड्यूल मिलता था, तो F13 में आपको रेक्टेंगुलर शेप कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। बैक पैनल पर F12 में 4 कैमरास थे, तो F13 में आपको 3 कैमरास मिल जाते हैं। इसके साथ साथ साइज की बात करेंगे तो साइज भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन वेट पहले की तुलना में थोड़ा कम है। जहां पहले F12 का वेट था लगभग 221 ग्राम, तो अब F13 का वेट लगभग 207 ग्राम का है। नेक्स्ट अप इज द डिस्प्ले सेक्शन और यहां पे भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले यहां पे हम स्क्रीन साइज की बात कर लेते हैं। F12 में 6.5 इंच का स्क्रीन साइज दिया गया था, तो अब F13 में आपको 6.6 इंच का स्क्रीन साइज मिल जाता है। 1 इंच स्क्रीन साइज बढ़ा है, जिसकी वजह से आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा जरूर चेंज होगा। इसके साथ साथ कुछ और चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको बता दूं कि F12 में आपको HD+ रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिलता था, तो F13 में फुल HD+ रेजोल्यूशन दिया गया है। हालांकि एक कमी जरूर कर दी इस बार F13 में, क्योंकि F12 में आपको 90Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता था, तो F13 में कंपनी ने 60Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया है। इसके साथ साथ अगर हम ग्लास प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो पहले आपको गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन मिलती थी और इस बार भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन कंपनी ने मुहैया करवाई है। एक चीज अभी भी कॉमन है और वो है दोनों का वाटर ड्रॉप शेप नॉच। यहां पे कंपनी ने इसमें कुछ चेंज नहीं किया। अब आगे बढ़ते हुए अगर हार्डवेयर पे गौर करें तो यहां पर आपको बता दूं कि F12 और F13 दोनों एग्जैक्टली सेम फोन है। जी हां, F12 में और F13 दोनों में आपको कंपनी का खुद का एक्सिनॉस 850 चिपसेट मिल जाता है। इसके साथ साथ दोनों में 6000mAh की बैटरी दी गई है और दोनों में आपको 15W की चार्जिंग स्पीड मिल जाती है। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि चलो प्रोसेसर सेम दे दिया, बैटरी सेम दी, बड़ी बैटरी है, अच्छी बात है, लेकिन चार्जिंग स्पीड क्यों एनहांस नहीं की? 15W की चार्जिंग स्पीड 6000mAh बैटरी वाले फ़ोन को चार्ज करने में काफ़ी टाइम लगाती है। आजकल ट्रेंड चल चुका है कि भाई सभी स्मार्टफोन ब्रांड्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग स्पीड देने की कोशिश करते हैं, बट सैमसंग ने यहाँ सिर्फ 15W की चार्जिंग स्पीड रखी है, जिसकी वजह से मैं कंपनी से थोड़ा सा निराश हूँ। अब आ जाती है ऐसे सेक्शन की जो कि आजकल के टाइम पर सबसे इम्पॉर्टेंट है। जी हम बात कर रहा हूँ कैमरा की, क्योंकि कैमरा जिस फोन का अच्छा होता है लोग उस फोन को डेफिनेटली लेना पसंद करते हैं और कंपनी ने यहाँ पे क्लेम किया है कि F12 के मुकाबले इस बार F13 में आपको इम्प्रूव्ड कैमरा देखने को मिलेगा। जी हाँ, ऑन पेपर्स भी अगर आप देखेंगे तो F12 में आपको 48MP का प्राइमरी सेंसर मिलता था, तो वहीं F13 में कंपनी 50MP का प्राइमरी सेंसर मुहैया करवा के दे रही है। इसके साथ साथ दोनों में ही 5MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल जाता है, दोनों में ही आपको 2MP का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। लेकिन एक कमी इस बार कर दी, अच्छा सेंसर दे दिया अच्छी फोटोग्राफी के लिए, लेकिन एक सेंसर कम कर दिया, यानी 2MP का मैक्रो सेंसर जो कि आपको F12 में मिलता था वो आपको F13 में नहीं मिलेगा। हाँ, फ्रंट कैमरा की बात करेंगे तो वो भी सेम है, 8MP का फ्रंट कैमरा दोनों में आपको मिल जाता है। अब कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको दोनों में काफी सिमिलैरिटीज देखने को मिल जाती है। दोनों में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, इसके साथ साथ दोनों में ही आपको चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। वहीं आपको दोनों ही फोन्स में 3.5mm ऑडियो जैक मिल जाता है, ताकि आप अपने ऑडियो का अच्छे से लुत्फ उठा सकें। अब अंत में हम फोन के सॉफ्टवेयर और कलर्स की बात कर लेते हैं। अब क्योंकि ये एक नया फोन है, इसलिए कंपनी ने इसमें अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर मुहैया करवा के दिया है। आपको इस फोन में आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 मिल जाता है, जिस पर One UI 4.1 की लेयरिंग भी दी गई है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि कंपनी ने दावा किया है कि यहां पर आपको 2 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे।
वहीं इसके सॉफ्टवेयर में एक और एडिशनल फीचर डाला गया है जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज में मिलता है। खासतौर पर सैमसंग गैलेक्सी M33 के साथ इस फीचर को स्टार्ट किया गया था और वो है ऑटो डेटा स्विचिंग। यानी अगर आपने दो सिम कार्ड डाल रखे हैं और दोनों में अगर आप डेटा प्लान ले रखे हैं, जहां भी नेटवर्क कम होगा ये अपने आप ही बेस्ट नेटवर्क वाले डेटा पे स्विच कर जाएगा। तो ये एक नया फीचर है जो कि आपको F13 में इस बार देखने को मिलेगा। वहीं कलर्स की बात करेंगे तो पहले भी तीन कलर्स मिलते थे, इस बार भी तीन कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन दोनों फोन के कलर्स अलग अलग हैं जो कि आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख रहे होंगे। पहले के मुकाबले इस बार आपको थोड़े से अतरंगी कलर्स देखने को मिलेंगे, ब्लैक कलर इस बार कंपनी ने रिमूव कर दिया है। अब इस पूरे वीडियो को देखने के बाद ये बात तो कंफर्म हो गई है कि कंपनी एक नया फोन तो लेके आई है, पर यहाँ पर कंपनी ने कंज्यूमर्स के सामने दो ऑप्शंस रख दिए हैं, एक F12 और एक F13, क्योंकि दोनों फोन में आपको स्पेक्स जो है थोड़े अलग मिल जाते हैं। F13 एक अपग्रेडेड मॉडल तो है, लेकिन कुछ कुछ एरियाज में यहाँ पे आपको F12 की तुलना में कमियां देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि डिस्प्ले अगर आप देखेंगे तो F13 में भले ही फुल HD प्लस दिया हो, लेकिन 90 हर्ट्ज की जगह 60 हर्ट्ज का इस्तेमाल किया गया है। वहीं कैमरा सेक्शन आप गौर करेंगे तो 50 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन दे दिया हो जो कि एक अपग्रेड है, लेकिन 2 मेगापिक्सल का मैक्रो यहाँ पे हटा दिया गया है। तो आपके पास अब दो विकल्प हैं, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनमें से चूज कर सकते हैं। बट एनीवे, कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और हमेशा की तरह ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।